बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कमाल राशिद खान यानी कि आरके आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ना कुछ ऐसा अनाप शनाप बकते रहते हैं जिसे लेकर वो विवादों में आ जाते हैं। लेकिन अब केआरके को अपना एक बयान देना बहुत महंगा पड़ गया है। जी हाँ, उठपटांग बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं केआरके, और हाल ही में उन्होंने शहनाज कौर गिल को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने शहनाज को लेकर यह कहा था कि शहनाज के पिता ने इस तरह का काम किया है, उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा था कि शहनाज को इंडस्ट्री को काम देना बंद कर देना चाहिए। इस बात पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी और शहनाज कौर गिल के फैंस ने बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई थी केआरके को। वहीं आपको बता दें केआरके के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते केआरके के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है और जल्द ही केआरके की हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ, जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि केआरके अक्सर इस तरह के गलत बयान देते हैं जो उन्हें नहीं देने चाहिए, किसी को भी नहीं देने चाहिए, लेकिन वो बाज नहीं आते हैं। आपको हाल फिलहाल ये बता दें कि शहनाज वाले केस में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो पाई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो दिग्गज अभिनेता जो कि अपनी दुनिया में नहीं रहे ऋषि कपूर, उनको लेकर इस एक्टर ने एक ऐसी भद्दी बात कही थी जिसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है और जल्द ही केआरके की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।